हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेम से रिलेटेड है, और इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे एंड बहुत फास्टली भी। तो ध्यान से देखिए, कभी भी नेम जब हमें लिखना होता है तो ऑलवेज पहले कैटायन का लिखते हैं, बाद में एनायन का, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो। पहले ऑलवेज कैटायन का नाम लिखेंगे, बाद में एनायन का। जब आप कैटायन का नाम लिख रहे होंगे तो बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा जब तक के पूरा कैटायन का नाम कंप्लीट ना हो जाए, फिर उसके बाद गैप आएगा। फिर जब आप एनायन का नाम लिखेंगे तो पूरा एनायन का नाम जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कोई भी गैप नहीं डालना है। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैटायन दो टाइप का हो सकता है, आइदर सिंपल कैटायन हो एंड कॉम्प्लेक्स एनायन हो। कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होंगे, राइट। तो अगर सिंपल कैटायन है तो सिर्फ उसका नेम लिखना है, उसके नंबर नहीं बताना आपको, सिर्फ उसका नाम लिखना है एज यूजुअल। बट अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए मैं बात करता हूँ। वैसे ही एनायन दो टाइप के हो सकते हैं, अगर वो सिंपल एनायन है तो सिर्फ उसका नाम लिखना है, अगेन उसके नंबर नहीं बताना है, एज यूजुअल जो नेम होते हैं वो लिख देना है, डेट्स इट। बट अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या एनायन कॉम्प्लेक्स हो, दोनों के लिए सेम रूल है। रूल क्या है, रूल का पहला पॉइंट, जब कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स होंगे तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ लिगेंड को बताएंगे। अगर दो हैं तो उसके लिए बाय वर्ड यूज करेंगे, तीन है तो ट्राई। एक ये पॉइंट हुआ, अगर लिगेंड के नेम में ऑलरेडी बाय या ट्राई वर्ड लगा हुआ है तब आपको फिर उसका नंबर बताने के लिए बिस या ट्रिस यूज करना है। पॉइंट क्लियर है। जब लिगेंड में ऑलरेडी बाय ट्राई लगा होगा और अगर उसके एक से ज़्यादा नंबर है तो उसके नंबर बताने के लिए बीस या ट्रिस, और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम काउंट करेंगे बट इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। पॉइंट पे ध्यान रखना। पॉइंट नंबर टू, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड आपको लिखना है। अगेन अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, डेट्स इट। पॉइंट नंबर थ्री, उसके बाद आपको नेम ऑफ सेंट्रल मेटल लिखना है, इसी ऑर्डर में जाना आपको, इसलिए मैंने लिखा है। सेंट्रल मेटल एटम को जब लिखेंगे आप तो अगेन दो पार्टें होंगी। अगर वो मेटल एनायन कॉम्प्लेक्स में है तो उसके लास्ट में एट वर्ड लगाना आपको, अगर एनायन में है तो एट। कैसे याद रखेंगे, ए फॉर एनायन और ए से स्टार्ट हो रहा एट, एनायन में एट लगाना है। अगर वो सेंट्रल मेटल अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है, डैट मीन्स ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे ऐसा कर करके इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ऐसे वाले पार्ट के अंदर अगर आपका मेटल है तो इन डैट केस यूजुअल नेम उसका लिखते हैं या फिर जो सजेस्टेड नेम होंगे वो आपको लिखना है। एंड लास्टली उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का बताना है, वो भी इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और रोमन नंबर में। ये सारे चार पॉइंट आपको ध्यान रखना है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को लिखने में। पॉइंट क्या है ध्यान से देखो, अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो या जीरो चार्ज हो, डैट मीन्स न्यूट्रल हो, तो जैसे कोबाल्ट को आप कोबाल्ट लिखेंगे, डैट्स इट। बट वहीं पे अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो एट वर्ड लगा देंगे, कोबाल्टेट। वैसे ही प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनम, इधर लिखेंगे तो प्लेटिनेट। पॉइंट पे ध्यान रखना। एफ ए आयरन होगा तो यहाँ पे आयरन सजेस्टेड नेम में, राइट, बट वहाँ पे फेरेट। वैसे ही सिल्वर होगा तो सिर्फ सिल्वर कैटायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, और इसमें अर्जेंटेट। गोल्ड होगा तो सिर्फ गोल्ड, इसमें ऑरेट। तो ये ध्यान रखना है, और ये पांच ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब, ध्यान से देखो। यहाँ पे कैटायन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो ये आपका हो गया सिंपल कैटायन, SC मतलब सिंपल कैटायन, और ये पूरा का पूरा एनायन हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम पे प्लस है तो इस पे माइनस आएगा 3, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया, राइट। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया, सिंपल कैटायन से बना और कॉम्प्लेक्स एनायन से, तो ये माइनस चार्ज आ गया इस कॉम्प्लेक्स पे, इसलिए अब आयरन में क्या लिखोगे आप, फेरेट वर्ड लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इसको चेक करें तो पहले ये लिखा मतलब ये कैटायन है, इस पे प्लस 2, दो क्लोरीन पे 2 माइनस है तो एक क्लोरीन पे 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और सिंपल एनायन है, राइट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैटायन कॉम्प्लेक्स है और सिंपल एनायन है। तो यहाँ पे कैटायन जब आपका कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ कॉपर वर्ड लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यही न्यूट्रल वाले हैं, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे आपका दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स
यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो डेट मीन्स सॉल्ट चार टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सिंपल कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, सिंपल एनायन हो, न्यूट्रल हो, या दोनों कॉम्प्लेक्स हो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो एट वर्ड लगाना है, पॉजिटिव या जीरो चार्ज होगा तो एज यूजुअल नेम लिखना है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक से। यहाँ पे पोटेशियम कैटायन है, तीन है, तो यहाँ पे तीन माइनस आ जाएंगे, राइट। तो एनायन आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो लास्ट में एट वर्ड आना चाहिए। ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं आ रहा है, यह भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज देखो, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो में आपका कहीं भी बाई वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसके नंबर बताने के लिए ट्राई यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे ट्रिस यूज किया हुआ है जबकि यहाँ पे ट्राई यूज किया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे आपको चेक करना है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आंसर टिक करना है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे पूछा गया अगेन 2020 में कि इसका आईपीसी नेम क्या होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, सीएल इधर बार है, तो इस पे माइनस वन, तो इस पे प्लस वन, कैटायन आपका कैसा हो चुका है, कॉम्प्लेक्स, तो प्लेटिनम वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सब में प्लेटिनम है और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इससे काम नहीं बना, आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, अमाइन है, अमाइन में कोई डाइवर्ड नहीं आया, राइट, तो इसलिए डाई अमाइन यूज करेंगे। तो डाई अमाइन ध्यान से देखो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ 20 हुआ, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो डाई को हम नहीं लेते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए को लेंगे, तो अमाइन तक आ गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लोरीन सी आएगा ए के बाद, तो क्लोरीडो, तो ये भी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एम यूज कर लिया है, तो ये गलत हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। उसके बाद ये कौन सा है, मिथेनामाइन, इसको बोलेंगे, राइट, एल्केनामाइन, आई पैक नेम, तो मिथेनामाइन होगा, एमिनो मिथेन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री 2012 में पूछा गया है कि डाई ब्रोमिडो 20 इथाइलिन डाई, क्योंकि यहाँ डाई लगा हुआ है इसलिए 20 वर्ड लगाया है, अमाइन क्रोमियम 3 में है, ब्रोमाइड, राइट, तो इस कौन सा फॉर्मूला होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ब्रोमीन कितना चाहिए आपको, डाई, दो ब्रोमीन चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं तो ये गया, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, यहाँ पे चार है तो ये गया, यहाँ पे दो ब्रोमीन है। उसके बाद हमें इथाइलिन डाइअमाइन भी दो चाहिए, राइट, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है, तो ऑप्शन बी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नोबेल प्राइज तो मिलेगा नहीं, बस चेक करो और आंसर पाओ, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर में ये आपको गिवन था, इसका आईयूपीएसी नेम बताना, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये NO2 पे एक माइनस वन होगा, ये अमाइन है, राइट, न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो चार्ज, दो क्लोरीन पे दो माइनस, टोटल माइनस थ्री है, तो इस पे कितना होगा, प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री वाले कौन है, ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये दो ऑप्शन गया। उसके बाद हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एन से स्टार्ट किया है, जबकि इस वाले में ध्यान से देखो आप, पी से, बट पी को तो पेंटा को तो हम लेते नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एक्चुअली में वो किससे, ए से, अमाइन से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एन नहीं आता है, पहले ए आता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, राइट। पेंटा अमाइन नाइट्रीटो एन क्यों दिखाया, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे मेटल के सामने कौन आ रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रीटो एन, अगर ऑक्सीजन इसी को ऐसे पलट कर लिखता ओ एन ओ तो नाइट्रीटो ओ हो जाता, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में अगेन आईयूपीएसी नेम आपको बताना है, और वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका कैटायन पोटेशियम है, तो ये एनायन होंगे माइनस थ्री, तो इसमें एट वर्ड आना चाहिए आयरन के लास्ट में, तो यहाँ पे एट आ रहा है, यहाँ पे एट आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन गए, और ये तो वैसे भी गया क्योंकि ट्राई पोटेशियम लगा दिया, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले का नंबर नहीं बताते हैं। अब क्या हो जाएगा, पोटेशियम 6 है, हेक्सा साइनो फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आयरन किस में, प्लस थ्री में, तो इसलिए ये टू वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको करना वेरी इजीली। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी के बारे में, और अगेन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस कई प्रॉब्लम आते हैं और ये बहुत ईजी भी है। अकॉर्डिंग टू वर्नर, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है, एक को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं और एक को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का पता लगता है, जबकि सेकेंडरी से कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगता है, राइट।
प्राइमरी वैलेंसी को आप कैसे पहचानेंगे, पॉइंट नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट, वो आयोनाइजेबल होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अगर बाहर में है तो वो प्राइमरी वैलेंसी है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी है, इसलिए अंदर वाले कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए नॉन आयोनाइजेबल। वेरी सिंपल, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट पूरा एक यूनिट है, ये ब्रेक नहीं होगा, इसके बाहर वाले या इधर वाले ब्रेक होंगे, अंदर वाले कभी ब्रेक नहीं होते, इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, इसलिए ये नॉन आयोनाइजेबल है। इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल भी होंगे। नॉन डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि आयंस है, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज, वो किसी भी डायरेक्शन से अटैच हो सकते हैं, बट ये डायरेक्शनल होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती हैं, प्लस शेप को डिटरमाइन करने में काम आता है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, लाइक ऑक्टाहेड्रल होगा तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन से, स्क्वायर प्लेनर होगा तो एक्स वाई डायरेक्शन से, तो इसलिए ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएंगी। नेक्स्ट, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जबकि इसको थिक लाइन से शो करते हैं अगर दिखाना हो तो, और ये सिर्फ और सिर्फ एनायन से सेटिस्फाई होंगे, ओनली एनायन हो सकता है प्राइमरी वैलेंसी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी एनायन तो हो ही सकते हैं एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड, तो उस पर पॉइंट ध्यान दो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको चार ऑप्शन दे देगा, विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिंपल आपको ब्रेक करके देखना है कितना आयंस मिलेंगे। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूँ तो तीन पोटेशियम और एक ये पूरा खुद, ये एक पूरा खुद, तो टोटल चार आयंस मिलेंगे। यहाँ पे बात करूँ तो ये एक पूरा और तीन ये, तो यहाँ पे भी चार आयंस मिलेंगे, तो जिसमें जितना ज़्यादा आयंस मिलेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इस टाइप के सिंपल आईक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और, इसका यूज कितना मोल्स AgNO3 रिक्वायर्ड होगा, तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो AgNO3 का यहाँ पे इस केस में तीन मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि तीन Cl बाहर है, जितना Cl बाहर होगा उतना मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर इस टाइप का कंपाउंड दे दिया, इसको हीट किए तो कितने वाटर का लॉस होगा, तो अगेन जो बाहर वाटर होंगे वही इवेपोरेट होंगे, अंदर वाले को नहीं करना। कई बार बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पूरा होल एक यूनिट है, उसको ब्रेक नहीं करना है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा कम होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये चार एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो अभी मैं लेकर के आपको क्लियर भी करता हूं। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, जिसका मोलारिटी वॉल्यूम गिवन था, AgNO3 का मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम पूछा गया कितना रिएक्ट होगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो क्लोरीन बाहर है, डैट मीन्स अगर मैं इसका एक मोल लिया, इस पूरे कंपाउंड का अगर एक मोल लिया तो दो मोल Cl- मिलेंगे, इसलिए इसका दो मोल्स रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों के मोल्स को सेम कर देना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू मोलारिटी 2, और ध्यान दे इसका दो क्लोराइड आयन मिलेगा, तो इंटू 2 करना नहीं भूले। तो ये राइट, ये टोटल आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4 ml, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 ml। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका एक मोल लूँ तो दो मोल Cl- मिलेंगे, इसलिए इसके दो मोल्स रिकॉर्ड होंगे, इसलिए इसे यहाँ पे 2 करना पड़ा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि ये एक कंपाउंड है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम गिवन है, दूसरा कंपाउंड मोलारिटी वॉल्यूम गिवन है, दोनों को मिक्स किया, फिर दोनों का इक्वल पार्ट की रिएक्शन एक बार AgNO3 से कराया, एक बार बैरियम क्लोराइड से, तो वाई और जेड मिला है, तो वाई जेड का आपको मोल्स बताना है। तो ध्यान से देखो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ भी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम गिवन है, दोनों का इक्वल मोलारिटी और वॉल्यूम मिक्स किया गया है, तो अब इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा बताओ। सिंपल, चूंकि वॉल्यूम डबल हो गया है, मोल्स तो अभी वही रहेंगे, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 0.01, और इसका भी कितना हो जाएगा, 0.01, राइट मोलारिटी। अब इसका इक्वल वॉल्यूम लिया गया है, तो इसका मतलब इसका भी 1 लीटर लिया गया होगा, तो इसका भी 1 लीटर, क्योंकि टोटल 2 लीटर थे। तो इसका रिएक्शन जब आप AgNO3 से कराए तो Y मिला है, बैरियम क्लोराइड से कराए तो Z। तो ध्यान से देखो, इसमें Br बाहर है, तो ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक AgNO3 एक ही मोल से रिएक्ट करेगा, और वैसे यहाँ पे ये भी 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो एक बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक ही इस वाले सल्फेट से करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही सल्फेट बाहर है, तो 1:1 रेशियो, दोनों के मोल सेम मिलेंगे, तो 0.02 तो हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि वो लिया ही था, तो हाफ होकर के 0.01 हुआ, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, ये तो अनइक्वल वाले हैं, तो ये हो नहीं सकता। ऐसे सिंपल आप आईक्यू से कर सकते हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया था कि ये कंपाउंड अगर हमने लिया तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होंगी, तो आपको बता रखा हूँ क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं, 5 और 1 क्लोरीन 6, तो 6 वाले ऑप्शन कौन है, ये दोनों। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा, जो कि प्राइमरी वैलेंसी बताता है, 2 ये क्लोरीन और 1 ये क्लोरीन की वजह से भी प्राइमरी वैलेंसी आएगी, तो ऑप्शन के क्या हो जाएगा, डी। ध्यान दें यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूजन होता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती हैं, तो वो इनसाइड में है तो जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट करने के लिए, बट मेजरली ये सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी हैव लाइक प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी इससे सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1:1, तो यहाँ से आपको क्या कहना चाह रहा है कि बाहर में एक ही होना चाहिए, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, CO NH3 होल 4 Cl 2, ये पूरा एक एंटिटी हो गया और Cl, तभी ये 1:1 रेशियो में ब्रेक होगा, तो इस टाइप से वर्ड फॉर्म में दे देता। अगर 1:2 बोलता है तो मुझे एक और सेल को बाहर करना पड़ता, 1:3 बोलता है तो मुझे 3 सेल को बाहर करना पड़ता, तो इस टाइप से दे सकता है आप प्राइमरी वैलेंसी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो है ही और ये 2 क्लोरीन की वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी +3 आएगा, तो टोटल 3 प्राइमरी वैलेंसी का यहाँ पर काम कर रहा है, राइट। जिसमें से 2 प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली में सेकेंडरी वैलेंसी भी है, क्यों, क्योंकि ये लिगेंड का भी काम कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्लियरली समझ लेना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है इस टाइप का MCl3.2L, जहाँ L लिगेंड है, उसकी रिएक्शन AgNO3 से कराया, तो 1 मोल से 1 मोल ही AgCl मिला है, तो इसका मतलब वही पॉइंट हो गया, बाहर एक ही Cl होगा। अब तो ध्यान से देखो, बाहर एक ही Cl होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, MCl2 और ये 2 लिगेंड अंदर में, राइट। क्यों, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, मतलब 6 बॉन्ड बनना चाहिए, 2 क्लोरीन के मोनोडेंटेड, तो लिगेंड को क्या होना पड़ेगा, इसका नंबर 2 है तो बाइडेंटेड, तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड इज बाइडेंटेड, तभी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, कैसे, 2 × क्लोराइड का मोनोडेंटेड प्लस इसके नंबर है 2 और × 2 होगा, तभी जा करके 6 आएगा। तो इस टाइप से आपको सिंपल IQ वाले प्रॉब्लम पूछे गए, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ईजी वे में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल्स AgCl मिल रहा है, तो इसके 3 से 3 मोल्स मिल रहा है, मतलब 1 मोल से 1 मोल मिलेगा, इसका मतलब एक ही Cl बाहर होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, CO En whole 2 Cl 2, ये सब अंदर में रहेंगे और एक Cl बाहर, तभी अगर इसका मैं 3 मोल लूँ तो 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे जो AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, तो 3 मोल्स AgCl मिलेंगे, तो 1 क्लोरीन बाहर है, हमें सेकेंडरी वैलेंसी पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 7 में copper sulfate.5H2 सेकेंडरी वैलेंसी एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कॉपर +2 में यहाँ पे, तो कॉपर को 4 वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और ये +2 चार्ज होने की वजह से sulfate.1H2O, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड में, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा 4 और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर एक ही बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाएंगे, बच्चे देख करके छोड़ देते हैं, ध्यान से देखो कि ये एक कोई कंपाउंड दे दिया है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्रोमियम है, 3 क्लोरीन है और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल है, एक्चुअली उसको लिख दिया है H12O6, तो देख के डरना नहीं है, कॉन्क H2SO4 से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, तो 13.5% ओरिजिनल मास लॉस हो गया है, तो आपको बताना है कौन फार्मूला होगा, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, पहले इसका टोटल मास निकाल लो, क्रोमियम का 52 गिवन था, 3 क्लोरीन है तो 105 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो 108, ये टोटल आप कर लो अप्रॉक्स में, ये 265 आ जाएगा, राइट। 265 का आप क्या निकाल लो, 13.5% मतलब 14 ले रहा हूँ मैं अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा, तो 14 7 दो और ये अप्रॉक्स में 36, मतलब कितना, 36 ग्राम लॉस हुआ, 36 ग्राम मतलब 2 वाटर का लॉस हुआ, राइट, तभी 36 होगा, डैट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक भी नहीं है, ऑप्शन है गया, यहाँ पे 3 वाटर हैं तो 54 का लॉस होगा, इसलिए ये गया, यहाँ पे एक ही वाटर है तो सिर्फ 18 का होगा, यहाँ पे 2 वाटर है तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप से आपको देखना है कि कितना वाटर बाहर है, इनसाइड वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लियरली समझ लो। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन 100 ml 0.1 मोलर COCl3.6H2O की रिएक्शन कराई गई एक्सेस ऑफ AgNO3 से, तो इतना AgCl के आयंस प्रिसिपिटेट हुए,
तो ये गिवन है, मतलब यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ 1.2 × 10^22 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6 × 10^23, तो ये कितना हो गया 0.02, ये मिल रहा है। इसको निकाल लो तो ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से, मोलारिटी ध्यान देना आपका स्टैंडर्ड यूनिट में, तो वॉल्यूम को लीटर में ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.01। अब ध्यान दो कि इसके 0.01 से इसका डबल मिल रहा है, डैट मीन्स 2 क्लोरीन बार होना चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा। देखो कि इसमें 2 क्लोरीन बार है तो नहीं है, इसमें गया, इसमें तो सारा इंसाइड कर दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 2 क्लोरीन बार है तभी इसका एक से इसका डबल मिलेगा। सिंपल यहाँ से रिलेट करो, यहाँ 1 यहाँ डबल, तो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही है। तो इस टाइप के सिंपल IQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे PYQ हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप कर सकते हो, क्योंकि हमने एक आपको प्रॉपर आइडिया दे दिया है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको मालूम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो चुका है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर Ag कहीं पे भी +1 में दिख गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है 2। सिमिलरली अगर प्लेटिनम या पैलेडियम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिक्स है, और अगर वही दोनों एलिमेंट अगर +4 में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट नंबर 2 कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, तो डबल सॉल्ट में क्या होगा, जितने भी कैटायन और एनायन आप लोगे सबका आपको टेस्ट मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सम ऑफ द कैटायन या एनायन के टेस्ट मिसिंग होंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट वाले जो सॉल्ट होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से देखा जाते हैं, और इसके अंदर जो भी आ गया वो आप ब्रेक नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर आने वाले कैटायन एनायन का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, इसके बाहर वाले का मिलेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, पोटाश एलम, ये तीन आप रट लो या याद ही रखो, पोटाश एलम, कार्नेलाइट एंड मोर सॉल्ट, ये सब डबल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा आपको, सल्फेट का मिलेगा, एल्युमिनियम का मिलेगा, सब कैटायन एनायन के मिलेंगे, और एक से ज़्यादा कैटायन या एनायन होंगे तभी उसको आप डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। वैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम इन सब का टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट अमोनियम इन तीनों का मिलेगा, तो डबल सॉल्ट बोलेंगे, इसको ध्यान में रखना है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा, एक्चुअली में ये कैसे एग्जिस्ट होगा, ये लिखने को ऐसे लिखा गया, लेकिन यू नो ये जो 4 पोटेशियम है वो बाहर रहेगा, K4Fe(CN)6 ये हो जाएगा, तो आपको पोटेशियम का तो टेस्ट मिलेगा लेकिन आयरन का नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसाइड में, और साइनाइड का भी नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉपर NH3O4 ये इनसाइड में चला गया, और ये सल्फेट, तो जनरली डी ब्लॉक वाले भी बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे अगेन कॉपर का टेस्ट नहीं मिलने वाला आपको, और अमोनिया का, सिर्फ सल्फेट का मिलेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, KAgCN2, तो यहाँ पे पोटेशियम का मिलेगा, सिल्वर और साइनाइड का आपको नहीं मिलने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान है कि उसमें सम ऑफ द आयंस के टेस्ट मिसिंग होंगे, जबकि इसमें सभी कैटायन और एनायन का मिलेगा, इतने ही को ध्यान में रखना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। IUPAC नेम में और वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आपको बिल्कुल नहीं डरना, बहुत ईजी प्रॉब्लम होते हैं और बहुत ईजिली आप कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके बॉन्डिंग के बारे में। थैंक यू।